ये एक ऐसी मासूम और बेबस लड़की की कहानी है जिसकी जवानी को उसके लालसी मामा ने एक अय्याश के हाथों बेच डाला। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा आशिक। अरे इतनी भी क्या बेरुखिया मेरी जान? कमीने, छोड़ दे मुझे। वाले नागिन, तेरी दांत की जहर बहुत नसीली है। या अरे क्यों मार दिया? अरे मारना है तो आंखों में मार, आंखों में मार। अरे आजा आजा मेरी पकड़ी पकड़ गई। आजा लड़ जाओ लड़ जाओ। खोलो, मैं भूखी हूँ, मुझे पेट भर खाना चाहिए। कोई चिंता नहीं, आओ। औरत का पेट भरना तो मर्द का काम है। मैं तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर दूंगा। आओ आओ आओ। बाके जी सरकार। खाना लगा दिया है? अभी लगाता हूँ सरकार। लगा दे जल्दी। जी सुंदर, अति सुंदर। आ हा हा, बैठो। आओ आ बैठो। सरकार ये लीजिए, खाना लगा दिया सरकार। लगा दिया है ना, तो जा, सरकारी काम में दखल नहीं देते। समझ गया सरकार। ले खाना खा ले और जिंदगी के गुण गा ले। खा। साली भूख की तड़प भी क्या होती है, हैं? खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। हा? खाओ खाओ। रानी तेरी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? भगवान के लिए मुझे खा लेने दीजिए। हाँ, भगवान का दूसरा नाम इंसान है। हा? पहले हमें भोग लगा दो, हम तुमसे ज्यादा भूखे हैं। पहले पहले मुझे खा लेने दो, फिर छोजी में आए वो कर लेना। अरे सारी रात पड़ी है रानी। बारी बारी भूख लगाते रहना है? कभी खाने का कभी हमारा। मुझे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खा लेने दो। तो तीन दिन से भूखी हो, हम तो हर दम भूखे रहते हैं। बेटी वाकई तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। घबराओ नहीं,
अब तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदगी से लड़ने के काबिल बनाऊंगा। सिन्हा, अब आप खतरे से बाहर हैं, आप घर जा सकते हैं। आपकी देखभाल के लिए एक अच्छी नर्स की जरूरत है। अच्छी नर्स? इनकी सेवा देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि इनसे ज्यादा अच्छी नर्स और कोई हो ही नहीं सकती। वेल, शी कैन गो विद यू। थैंक यू डॉक्टर। क्यों डॉक्टर, क्या हाल है? पहले से काफी अच्छे हो। अच्छा, अब तुम चल फिर भी सकते हो। लेकिन नो टेंशन नो स्ट्रेन, अब तुमको नर्स की भी जरूरत नहीं है। सिस्टर, कल से तुम हॉस्पिटल ड्यूटी में वापस जा सकती हो। यस सर। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। मेंटेन दिस प्रोग्रेस। गुड डे। गुड डे। गुड डे सर। थैंक गॉड। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन मनु, आज जिंदगी में पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि आदमी एक आजाद घोड़ा है जिसे काबू में रखने के लिए एक मजबूत लगाम की जरूरत है। इतनी दौलत और शोहरत के होते हुए भी मैं जिंदगी में अकेला हूं। सुना है तुम भी अकेली हो, यानी कि हम दोनों की जिंदगी बेमकसद बहते पानी की तरह है, है? मोना, क्यों ना हम एक दूसरे का किनारा बन जाएं? बोलो मोना, बोलो। तुम्हारा जवाब सुनने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूं। सिन्हा साहब, मेरे और आपके बीच अभी भी एक रात बाकी है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मोना, मैं इस रात की सुबह नहीं होने दूंगा। मनोरमा, क्या सोच रही हो मनोरमा? यही ना कि सिन्हा साहब बूढ़े हैं और तू जवान, मगर वो जवानी किस काम की जो रोटी के दो टुकड़ों के लिए लुट जाए। वैसे जवानी तो चार दिन की होती है। याद रख, इतनी बड़ी सुरक्षा और इज्जत तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। आज दौलत और शोहरत तुम्हारे कदमों में है, उठा ले। मैं कहती हूं उठा ले इसे, उठा ले मनोरमा, उठा ले इसे। ये कैसे होगा? अच्छा, तो सुबह के नाटक की रिहर्सल हो रही है?
दो टके की नस तूने मेरे बूढ़े चाचा को अपने मुट्ठी में कर लिया है। इससे पहले तू इसकी साली दौलत को हड़प ले, मैं तुझे इस घर से धक्का मारकर निकाल दूंगा। Shut up, you brute! हा? इस घर से धक्के मारकर मोनालिसा को नहीं तुझे निकाला जाएगा। लेकिन चाचा जी, खैरियत चाहते हो तो अभी मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, इससे निकल जाओ यहां से। अच्छा चाचा जी, आई एम सॉरी मोनालिसा, ये नालायक मेरे स्वर्गीय भाई की इकलौती निशानी है, इसने जो कुछ कहा उसका बुरा मत मानना। सिन्हा साहब, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम नर्सों को ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई है। नहीं मोनालिसा, आज से तुम एक मामूली नर्स नहीं, इस शहर की मशहूर हस्ती वीरेंद्र सिन्हा की धर्मपत्नी हो। जी सरकार, सरकार मालिनी को छोड़िए और सालिनी से मिलिए। सरकार हॉल में इंतजार कर रही है। क्या कह रहा है बाकी? शालिनी आई है, हमारी प्राण प्यारी आई है। इस मालिनी को 25 रुपया दे के पिछले दरवाजे से भगा दे, हम जरा शालिनी के पास जाते हैं। आहा, शालिनी। नमस्ते अंकल। अंकल, ये क्या बरसों पुरानी कल की बातें कर रही है? जरा आज की बात करना। मैं आज की नहीं, अभी की बात करने आई हूँ। अभी की बात करने आई है, जल्दी कर। सबला निकेतन के वार्षिक अधिवेशन के लिए चंदा चाहिए। ओ, चांद के मुखड़े से चंदे की बात है? लगता है पूरे कमरे में चांदनी फैल गई है। आप दिन में भी सपने देखते हैं? क्यों ना देखू, क्यों ना देखू, सपनों की राजकुमारी जो सामने खड़ी है। यू नॉटी ओल्ड बॉय, बताओ कितना लिखूं? ये घर भी तुम्हारा है और घर का धन भी तुम्हारा है, अपना समझ कर भर दो। तो आपकी तरफ से 500 रुपए भर दूं? क्यों पंजा दिखा रही हो, थप्पड़ मारने का इरादा है क्या? कम से कम 1001 रुपया तो भर दो। 1000? अरे लाखों में एक हो तुम, फिर 1000 के औकात ही क्या है। थैंक यू अंकल। अंकल, ये लीजिए रसीद और निकालिए 1000। 1000, ये लो। थैंक यू वेरी मच अंकल। अंकल, हाँ मेरी जान, आज के बाद कल आएगा ही। एक बार फिर मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आचार्य जी, मैं शालिनी की वजह से यहाँ आई हूँ और वो ही नहीं दिखाई देती। मैडम, बात यह है कि शालिनी के पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनका हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए वो नहीं आ सके। अच्छा, ये तो बड़े दुख की बात है, मैं उसके पिताजी को देखने जरूर जाती, मगर क्या करूं, सिन्हा साहब की तबीयत भी बहुत नाजुक है, मुझे उनके पास तुरंत वापस जाना है। मगर शालिनी से कहिएगा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो अपनी बड़ी दीदी को याद करे। थैंक यू। आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। सबको रात की दवाई दी? मैम, सब दवाई देने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं दी। ओ, यू आर यूजलेस। ओहो डार्लिंग, कूल डाउन प्लीज, प्लीज कम सिट बाय माय साइड, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्यों आते ही बेचारी पर बरस पड़ी। सिस्टर, दवा दो। पानी। ओ, नॉटी बॉय। अब जल्दी से नींद की गोली दे दो, सुबह पुणे जाना है। मनोरमा, तू है नदिया फिर भी प्यासी। Thank you.
डैमेज। गाड़ी अभी खराब होनी थी। रोको 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 गाड़ी रोको। सुनिए सुनिए। क्या हुआ मैम साहब? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अभी ठीक किए देता हूं। बहुत खूबसूरत है। एक एक पुर्जा अपने नगीने की तरह अपनी जगह पे फिट है। फिर गाड़ी चलती क्यों नहीं है? अभी ठीक किए देता हूं। छोड़ मुझे, लवी ने, छोड़, बचाओ, बचाओ, हराम सारे। मैंने भीगे कपड़े तो बदल लिए, लेकिन मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, तकलीफ कैसी? वैसे बाय द वे आप कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे, कल एक इंटरव्यू था। किस कंपनी में इंटरव्यू है? एक बहुत बड़ी फर्म है, सिन्हा एंड सिन्हा। राहों में तो यही मंजिल, संग संग मिल के
May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning. Young man, वैसे तो तुम तंदुरुस्त लगते हो, फिर इस उम्र में ये सांस की बीमारी? अगर पंक्चर होना बीमारी है सर, तो मैं बीमार रहना पसंद करूंगा। तुम्हारा मतलब? सर, इस बिल्डिंग की सारी लिफ्ट खराब है। Oh my God! तो क्या ये 17 मंजिल तुम सीढ़ियां चढ़कर आए हो? यस सर। तो तुम्हारे अंदाज में इस 17 मंजिल तक कितनी सीढ़ियां होंगी? सर, मंजिल तक पहुंचने वाले सीढ़ियां नहीं गिना करते। स्प्लेंडेड, तुम जरूर तरक्की करोगे। थैंक यू सर। मोना डार्लिंग। यस डार्लिंग। प्लीज कम। ये हैं मिस्टर अरुण। हेलो। डार्लिंग, इनकी एप्लीकेशन के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वेल, इनका बायोडेटा एंड टेस्टिमोनियल्स देखकर प्रोबेशन पर रखा जा सकता है। गुड, कांग्रेचुलेशंस यंग मैन, यू हैव गॉट द अप्रूवल ऑफ माय वाइफ, द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस फॉर्म। तुम आज ही से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अरे बस बस, हाँ, लो बोलो। इस बार रेस में लकी स्ट्राइक घोड़ा ही जीतेगा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अंदर से खबर लाया हूं, वो भी पक्की। तो ठीक है, 200 रुपए खेल लेता हूं। छे, साला कैशियर का कैशियर ही रहा है? अरे खुद कमाने की सोचना। अरे यार, अपनी पगार ही क्या है, घर में तो पूरा पड़ता नहीं, और ऊपर से जवान बेटी घर पर बैठी है। अरे तेरी जवान बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। हाँ? सुन, आज शनिवार, बैंक से 25,000 निकाल। सुन, रविवार को रेस खेल के 25,000 का 5 लाख कमा ले, सोमवार को वापस बैंक में 25,000 भर दे। बस बस, अगर मैं रेस में हार गया तो जेल की चक्की मुझे पीसनी पड़ेगी। अरे ऐसी कैसे पीसनी पड़ेगी, फिर तेरा ये दोस्त किस मर्ज की दवा है? मिला हाथ। अरे मिला हाथ। लकी स्ट्राइक कम ऑन, लकी स्ट्राइक। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब तुम एक ही हो जो मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हो। अगर मैंने बैंक में 7 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस नहीं किया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अरे अरे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक जवान बेटी के बाप पर दया करो साधु राम। अरे 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 अरे, दया तो भिखारियों पर की जाती है दीन दयाल। तुम तो मेरे दोस्त हो, खास दोस्त। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बर्बाद होते कैसे देख सकता है? कैसे देख सकता है? आ जा, अभी हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। रिश्तेदारी? हाँ, गले लग जाओ मेरे, और तुम्हारी शालिनी को मेरे घर की गृह लक्ष्मी बना दो। साधुराम, मत भूलो, साधुराम की दोस्त की बेटी अपनी बेटी के समान होती है। हे दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल, जब तेरी बेटी की कोख से मेरी बेटी पैदा होगी तभी तो मुझे बेटी का एहसास होगा। मैं तो ठहरा कुंवारा, भला ऐसे नाजुक रिश्ते को कैसे जान सकता हूं? साधुराम, हाँ, हालात ने मुझे मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपनी बेटी का सौदा कर डालूं। सौदा? ये तो मोटी रकम लेकर इज्जत के साथ उसका एक बार ही सौदा होगा। हाँ? अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी जवान बेटी हर रात हाथों हाथ कौड़ी के मोल बिकेगी, कौड़ी के मोल। हरगिज़ नहीं।
शालिनी मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। गुनाह मैंने किया है तो उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। दीनदयाल, हमने भी ऐसा दाना फेंका है कि तेरी चिड़िया चुगे ही चुगे। बापू, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, दरवाजा खोलो बापू। ए विकी, इधर आ, इस पे जरा चढ़ के देख बापू क्या कर रहे हैं। दीदी दीदी, बापू फंसी लगा रहे हैं। चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। कभी नहीं। विकी, तू ऊपर से कुंडी खोल दे। क्यों आए तुम लोग यहाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बापू, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हो गया है आपको? मुझे मर जाने दिया होता बेटी, मैं जीने के काबिल नहीं रहा। कैसी बातें करते हैं बाबूजी, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? ऐसा करने से पहले ये तो सोचा होता आपके बाद हमारा क्या होगा। मैंने बैंक से 25,000 रुपए का गबन किया है। 25,000? हाँ, 25,000, और वो सारा रुपया मैं रेस में हार गया हूँ। रेस में? हाँ, अब मुझे जरूर जेल हो जाएगी, और उसके बाद तुम तीनों चोर दीनदयाल की औलाद कहलाओगे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी बाबा। मोना डार्लिंग, जिंदगी के बचे हुए दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से आखिर मजबूरन मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। डार्लिंग, मैं आपकी लंबी उम्र की सलामती चाहती हूं, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे हो जाइए। तुम्हारी जबान मुबारक। एक बात तो कहना मैं भूल ही गया। कौन सी बात? हमारे अरुण से कहना कि उसके काम से खुश होकर हमने उसे मैनेजर से कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते मैडम। क्यों राकेश, परेशान लग रहे हो? यस मैडम, बातें कुछ ऐसी है। परेशानी की वजह? पूनम का बाप। मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूं, मगर उसका शराबी बाप 50,000 रुपए में उसका सौदा करना चाहता है। अगर कल तक मैंने 25,000 रुपए ना दिए तो वो पूनम को भेज देगा। अगर पूनम का बाप 25,000 लेकर मुकर गया तो? मुकरेगा कैसे, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूंगा। बाकी 25,000 रुपए देकर मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लूंगा। अच्छा, तो ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? यस मैडम। जाओ, कल ऑफिस से ले लेना। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पटली रे पटली। अरे जा जा, काहे की पटली रे? फिट हो गया पहली मुलाकात में, हिट हो गया। hey, तेरा दिल मेरे दिल को चीट कर गया, रस्ते पे जो लाई तू उम्मीद बन गया। पटली रे पटली, पटली रे पटली। अरे तू जा जा, काहे की पटली। तेरा दिल मेरे दिल में फिट हो गया, पहली मुलाकात में हिट हो गया। तेरा दिल मेरे दिल को चीट कर गया, रस्ते पे जो लाई तो उम्मीद बन गया। मुश्किल
भी है तेरी अदा, बिखर ना जाए ये जिंदगी प्यार के बिना, दिलदार के बिना। रूप तेरा इन आंखों में शिफ्ट हो गया, पहली मुलाकात में हिट हो गया। पटली रे पटली, पटली रे पटली, अभी तू जा जा काहे की पटली। तेरा दिल मेरे दिल में फिट हो गया, पहली मुलाकात में हिट हो गया। पूरे 3 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। 3 दिन ऐसा लगा जैसे 3 जन्म हो गए। अब तुमसे 3 पल भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। 3 पल? मैं तो तुम्हें छोड़कर 1 पल भी नहीं रह सकती हूँ। सच? मगर सोचो, सिन्हा साहब को लंदन भेजना था, उनके एब्सेंस में उनके बिजनेस मैटर्स देखने थे। देखती रहना,
पहले मुझे तो जी भर के देख लेने दो। तुमसे क्या छुपा है अरुण, जिसे देखने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हारा दिल जो समुद्र से ज्यादा कह रहा है, जिसे नापने के लिए एक उम्र भी कम है। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। तुम मैनेजर से कंपनी डायरेक्टर बन गए हो। मोना, तुम्हारा प्यार एक एहसान बनता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आता मैं इसे कैसे उतारूंगा। I'm so happy for you. I love you. I love you. वाह, क्या फिल्मी लव सीन जमाया है। यू स्काउंडरल, तुम्हें मेरे कमरे में छुपने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा मत कीजिए अरुण बाबू, गुस्सा मत कीजिए। जब तक हिंदी फिल्म में कोई ताकतवर विलेन ना आ जाए, कहानी बड़ी बेजान सी लगती है। वाह मोना देवी वाह, क्या बात है। शादी कहीं और, मोहब्बत की आजादी कहीं और। सोने के जंजीर बांधकर गुलाम पालना कोई आंख से सीखे। Stop it! Bastard! क्या कर रहे हो? मैं खत्म कर दूँगा ध्यान से इसको। Stop it! अरुण बाबू, इस मुक्के का जवाब देकर मैं सारी ऑफिस को इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन कुत्तों में से नहीं हूँ जो मालिक के बिल्ली पर झपटा मारकर उसे खा जाना चाहे। शक तो मुझे पहले से ही हुआ था, लेकिन आज यकीन में बदल गया। बेचारा सिन्हा साहब लंदन गया हुआ है हार्ट के इलाज के लिए। बस सिर्फ उन्हें वापस आने दीजिए, फिर मैं आपकी प्रेम कहानी का। हाँ हाँ, सुना देना सुना देना। मैं भी चाहता हूँ सिन्हा साहब को मालूम चल जाए कि मैं मोना से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। Now get out or I will put you out. जाता हूँ अरुण बाबू। अब मुलाकात सिन्हा साहब के लंदन से आने के बाद ही होगा। कुत्ते का मुंह से गिरा टुकड़ा, बिल्ली का भाग से छिक्का। Get out. I say get out. Bye bye. Ciao. ये तुमने क्या किया अरुण? क्या किया? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मोना, अब मुझे तुमसे छुप छुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या ये अच्छा लगता है कि एक शरीफ आदमी मौत से पहले ही मर जाए? मिस्टर सिन्हा को दो हार्ट अटैक आ चुके हैं, क्या तुम्हें इतना भी सब्र नहीं कि तीसरे अटैक के लिए इंतजार कर सको? ताकि तुम सिन्हा साहब की दौलत के अकेली मालिक बन सको। क्यों? एग्जैक्टली। पैसा पैसा पैसा। मोना, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हें इतने पैसे की भूख क्यों? मैं भी एक एक रोटी के लिए मोहताज हुआ हूं। मैंने भी जिंदगी में गरीबी देखी है। नहीं अरुण, तुमने वो भूख और गरीबी नहीं देखी है जो जो मैंने देखी है। एक औरत का अकेलापन और बेबसी से जूझना एक मर्द से कई गुना ज्यादा दुखदाई होता है। तुम आदमी होकर फुटपाथ पर रात काट सकते हो, लेकिन औरत के लिए यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में बाजार गली में गली के हर नुक्कड़ पर औरत के जिस्म की बोटियां नोचने के लिए एक न एक शैतान खड़ा रहता है। उसे उसे मजबूत दीवारों का घर चाहिए, एक सहारा चाहिए। तुमने शोभों पर हाथ उठाकर मेरे घर की दीवारों को तोड़ दिया है। ओ, आज समझ में आया कि तुम्हें मुझसे ज्यादा सिन्हा साहब की दौलत प्यारी है। हरगिज नहीं, अभी वो इम्तिहान की घड़ी नहीं आई अरुण, जिस दिन मुझे दौलत या तुम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं दुनिया की हर दौलत को ठुकरा कर तुम्हें अपना लूंगी। मेम साहब, शालिनी जी आई हैं। शालिनी, इतनी रात को? अरे शालिनी, इतनी रात गए अपनी दीदी के यहाँ, कैसे आना हुआ? कुछ मांगने आई हूँ दीदी, जिसे देने की
आपकी हैसियत तो है, मगर मांगने की मेरी औकात नहीं। मांग कर तो देखो, तुम्हारी दीदी औकात को हैसियत में बदलना जानती है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी दीदी। दीदी, मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? यस मैम। मिल जाएंगे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? इस 25,000 रुपए के बदले में तुम्हें सिर्फ 25 शब्द हमें लिख के देने होंगे। यही लिखकर देना होगा ना कि वो पैसे कब वापस करूंगी? जी 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 जी। फिर छोटी बात, शालिनी, तुम्हें अपनी दीदी के बराबर होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ ये 25 शब्द लिखने होंगे। तुम गिनो, मैं लिखकर बताती हूं। मैं शालिनी श्री अरुण वर्मा के साथ 1 साल के लिए साथ रहूंगी। मैं वादा करती हूं कि 1 साल के बाद उसे छोड़ दूंगी। 1 साल एक गैर मर्द के साथ? दीदी, ये सौदा तो एक खरीदार ने मुझसे पहले भी करना चाहा था, मगर वो खरीदार 25,000 के बदले में तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, तुम्हारी इज्जत खरीदना चाहता था। मैं ठीक कह रही हूं ना? यहां ऐसा नहीं होगा। अरुण वर्मा हमारी कंपनी का एक इज्जतदार जवान डायरेक्टर है। उसकी मां जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो मरने से पहले अपने बेटे की शादी देख ले। इसलिए एग्रीमेंट सिर्फ दिखावे के लिए है। वो तो ठीक है दीदी, मगर घबराओ नहीं, तुम्हारा सारा खर्च हम उठाएंगे और तुम्हारी इज्जत को किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। मैं भी गवाह बनके साइन करूंगी। लो अरुण, अब तुम साइन कर दो। लो, मैंने बतौर गवाह साइन कर दिए। ये 25,000 ले जाओ और 25,000 मिल जाएंगे। अब जल्दी करो और अपनी मां के पास ले जाओ। मां, ये क्या मां, तुझे फिर खांसी के दौरे पड़ने लगे? मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूं। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर वैद मेरा इलाज नहीं कर सकते। काश तू मेरे लिए बहू ले आता। मैं तेरे लिए बहू ले आया हूं मां। अच्छा, वो देख। आओ बहू, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ मेरे पास बैठो। चुक चुक जियो, तू तो नहाओ, तू तो पलो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, अब मेरे अरुण को संभालने वाली आ गई है। अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा मत कहो मां, मैं तुम्हारा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। खैर छोड़ इन बातों को, तू बता, तूने अचानक इतनी जल्दी कैसे शादी कर ली, जबकि मैं बरसों से बहू का मुंह देखने के लिए तरस रही थी। सच्चाई तो यह है माँ के, हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तो हम शादी धूमधाम से करें, लेकिन तुम्हारी बेचैनी, हमने कोर्ट मैरिज कर लिए माँ। और सही बात तो यह है कि इसके घर वालों को अभी तक मालूम ही नहीं है कि हमने शादी कर ली। क्या कह रहा है तू? सबसे पहले तुझे इसके घर वालों को बताना चाहिए। अरे अरे, लड़की का मामला है, कुछ ऊंच नीच हो जाए। अब मुंह क्या देख रहा है, ले जा बहू को। जैसी तुम्हारी आज्ञा मां, चल जा बेटी, जा, खुश रहो।
कितनी मासूम है। वाह बुढ़िया वाह, क्या माँ का नाटक किया है तुमने। असली माँ को भी मात कर दिया तुमने। सब आपकी मेहरबानी है। ये लो अपना इनाम। और कोई काम होगा तो जरूर बताइएगा, वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी। इन फूलों की तो किस्मत सवर गई, मुझे तो जलन हो रही है इनसे। क्यों, वो तुम्हारी किराए की दुल्हन कहाँ है? वो मायके गई है अपने बाप को पैसे देने। सिन्हा साहब की क्या खबर है? लंदन में दिल का इलाज करा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने दिल का इलाज करा लें। जवानी करना चाहे दिल मनमानी, ए जब चढ़ जाए जोश जवानी करना चाहे दिल मनमानी, तन मन धन मेरा सब कुछ तो है तेरा, दिल में ख्याल तेरा हो शाम या सवेरा, तू ही तू ही तू ही तू ही है वो दिल वाला। One and two and I love you, I love you, I love you, आओ खेलें प्यार का खेल।
you and I love you, I love you, I love you. I'll keep it down in the key. One and two, darling, I love you. One and two. प्यार का खेल खेले तेरी मन चले तेरे लिए तन चले तूने 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 क्या कर डाला. One and two and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल. One and two and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल. One and two, honey, I love you. One and two, I love you. बेटी, बेटी अपने बाप को बचाने के लिए ये शादी का जोड़ा कहीं अपने अरमानों के खून से तो नहीं रंग लिया? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? अरुण और मैं तो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं. आपको बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई. आप इसे संभाल के रख लीजिए. पापा जी. अरे स्वप्ना बेटी आओ. ये शादी के लिबास में शालिनी दीदी गई क्या? हाँ बेटी, शालिनी ने शादी कर ली. शादी? ना बारात घर पर आई ना दुल्हन विदा हुई, ये कैसी शादी चाचा जी? तुम भी तो नए जमाने की लड़की हो. दोनों में प्यार था सो शादी कर ली. आपका आशीर्वाद तो लिया होगा ना? इतनी फुर्सत किसको है? इस अभागे बाप ने अभी तक जवाई बाबू की शक्ल तक नहीं देखी. बैंक से 25,000 का कर्ज लिया था मैंने, सो मेरी बेटी कर्ज उतार कर चली गई. अचानक शादी, दूल्हा अजनबी और ये 25,000 रुपए, कहीं प्यार के नाम पर ये सौदा तो नहीं हुआ ना? डार्लिंग, तुम्हारे कहने से तो मैं इलाज करवाने के लिए लंदन चला गया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. वेलकम होम चाचा जी, वेलकम होम चाचा जी. चाचा जी, मुझे आपसे अभी इसी वक्त कुछ खास खास बात करनी है. लेकिन वो तो सिर्फ खास बात कहना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ. सरप्राइज? हमारे अरुण ने शालिनी से शादी कर ली. वहां देखिए अरुण. अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू. लेकिन माय सनी बॉय, इतनी बेताबी कि हमारा इंतजार तक नहीं किया. सर बात यह कि वो सर वो काम बहुत होता है, होता है, ऐसा ही होता है. हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, वाजंट इट डार्लिंग? मैं अभी तुम दोनों के लिए एक बड़ा फर्स्ट क्लास ब्राइडल स्वीट किसी अच्छे होटल में बुक कर देता हूँ. थैंक यू सर. गो एंड स्पेंड योर ब्राइडल नाइट देयर. ओके, जीती रहो बेटी, जीती रहो, गॉड ब्लेस यू. माय सनी बॉय कम, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग. कम बिटिया. रानी के सामने तो नहीं कहा, तुम्हें कहता हूं, सुहाग रात के बाद ही फौरन तुम्हें गोवा जाना पड़ेगा. वहां मारिया एंड मारिया कंपनी का ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें हासिल करना पड़ेगा. हमने टेंडर भर दिए हैं, याद रखना, इसे हासिल करने से हमें इतना फायदा पहुंचेगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. मैं पूरी कोशिश करूंगा सर. That's like a brave young businessman. तुम अपनी नई दुल्हन को भी साथ लेते जाओ, बिजनेस कम हनीमून ट्रिप दोनों हो जाएगा.
कौन जाने घर की लक्ष्मी की बदौलत लक्ष्मी ही आ जाए। मोना तुम इस वक्त यहां, ये तुमने क्या किया? मुझसे रहा नहीं गया अरुण, तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुम्हारी नकली दुल्हन है, तुम्हारी दुल्हन तो मैं हूं, इसलिए सुहाग रात मनाने का हक मुझे ही है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर सिन्हा साहब को मालूम पड़ गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें दवा दे आई हूं, वो अब गहरी नींद में है। Oh my darling, you're beautiful. Beautiful. I love you. I love you, darling. I love you. Love you. शालिनी, तुम इस कमरे में क्यों आई हो? अपनी दीदी यानी बड़ी बहन का असली रूप देखने के लिए। शालिनी, अब समझ में आया कि तुमने ये शादी का नाटक क्यों रचाया? तुम अमीर लोग अपनी शारीरिक वासना मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बेचारे सिन्हा साहब तो बूढ़े हैं ना, प्यासी नागिन को बूढ़ी हड्डियों से वो खून पीने को कहां मिलता होगा जो अरुण साहब की जवानी से मिल रहा है। शालिनी, ये मत भूलो कि तुम 25,000 में खरीदी हुई एक अदद बीवी हो। सिर्फ 25,000 नहीं मिस्टर अरुण, मुझे लगता है खर्चा कुछ ज्यादा हुआ है। 5 रुपए के पेपर पे की हुई प्लानिंग, 5,000 में खरीदी हुई माँ, 50,000 की पार्टी और 5-स्टार होटल का ये स्वीट। कितने भोले हैं सिन्हा साहब और कितने मक्कार हैं आप लोग। आशीर्वाद लेते वक्त आपने उनके पांव छुए थे और अब उनकी पत्नी के साथ आप अय्याशी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? बदतमीज लड़की, हमें लगती दिली है। नहीं, आपको सच्चाई से आगाह कर रही हूँ। आप जैसी बड़े घर की औरतें माइक के आगे भीड़ के सामने नारी के अधिकारों पर भाषण तो दे सकती हैं, लेकिन नारी कर्तव्य को निभा नहीं सकती। लेडी मोनालिसा, तुम नारी के नाम पर कलंक हो। तुम ठहरो, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये भी याद रखेगी। ना ना अरुण, नहीं अरुण, जाने दो। वारे मोना देवी, हमारे कदम इस धरती पर भी नहीं पड़े और तुम इस होटल के कमरे में भी घुस गई। क्या मतलब? सुहागिन वहां, सुहाग यहां, और सुहाग रात के खबरों से भरा हुआ, महकता हुआ ये कमरा कितना बड़ा मजाक है। हाय मालपानी। अरे बाबा अरुण, तुम किधर है बाबा? आओ आओ आओ, बैठो बैठो, नहीं साईं बैठो। ये बताओ, हमारे मारियान मारिया कंपनी का टेंडर का क्या हुआ? अरे साईं, वो तो हाथ से जाता नजर आ रहा है। नहीं, क्या कह रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं सिन्हा साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी है, पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने को नहीं किसी दूसरे को दिया जा रहा है। देखो अरुण, कल तुम्हारे ऑनर में पार्टी दिया जा रहा है, तो तुम अपनी बीवी को लेकर जरूर पहुंचना, समझे ना तुम? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, अब क्या रास्ता निकलेगा? अरे अरुण, अरे सुनो साईं, मैं तुम्हें इस कमरे में शराब नहीं पीने दूंगी। तुम कौन होती है मुझे रोकने वाले? हाँ, तुम्हारी 25,000 की बीवी जिसकी शराब पीकर तुम इज्जत लूटना चाहते हो। बकती हो, शट अप। तुम सोने का पट्टा बांधकर मोना के कुत्ते बन सकते हो शालिनी, लेकिन मैं कोई खरीदी हुई भेड़ नहीं बन सकती जिसे तुम अपनी मर्जी से हलाल कर सको। तुम हद से आगे ज्यादा बढ़ रही हो।
और तुम हैवानियत पे उतर आए हो। बॉटल वापस करो। नहीं छोड़ूंगी। बॉटल वापस करो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। नहीं। छोड़ दो उसको। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो तुम। बदतमीज। वाह, एक बेबस लड़की पे हाथ उठाकर आप कितने शरीफ और तहजीब याफ्ता लग रहे हैं। रुक क्यों गए? मारो, जान से मार डालो मुझे। अपने बाप को मौत के मुंह से बचाने के लिए तुम्हारे दिखावे की बीवी क्या बन गई? तुमने खरीदी हुई वेश्या समझ लिया मुझे? I hate you. I'm extremely sorry. दरअसल आज की हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मारिया एंड मारिया कंपनी ने हमारी कंपनी से कोलैबोरेशन करने से इनकार कर दिया है। सिन्हा साहब ने मुझसे कितनी उम्मीदें बांध रखी थी, कितनी तमन्नाएं थी उन्हें, समझ नहीं आता मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं हार गया शालिनी, मैं हार गया। कम कम माय चाइल्ड, सरप्राइज्ड माय डियर। ये हमारा बेटी मारिया का फोटोग्राफ है। शालिनी डियर, जब तुम हॉल में एंटर हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारा मारिया वापस लौटा है। ये तो हूबहू मेरी शक्ल है। यस, एकदम तुम्हारा माफिक, इनोसेंट, मासूम। जब हमारा मारिया पैदा हुआ था ना, वही टाइम हम उसके नाम पे एक कंपनी खोला था, मारिया मारिया एंड कंपनी। कितना लकी था वो। कुछ ही सालों में वो कंपनी दुनिया भर में मशहूर हो गया। मारिया मारिया एंड कंपनी तो आज भी जिंदा है, पर हमारा मारिया, हमारा टोटल। क्या हुआ था उसे? एक कार एक्सीडेंट। हमारा मारिया हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। बर्ड भी कितना बेरहम है, कितना अजीब मजाक करता है। दुनिया की तमाम दौलत उसने हम दोनों बदनसीबों को दी, मगर हमसे सबसे प्यारी, सबसे करीब, सबसे लाडली बेटी मारिया को हमसे छीन लिया। क्यों 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 क्यों? आप रोइए मत, मैं आपकी बेटी हूं। मारिया, मारिया। ओ मामा, मारिया, माय टॉटा, माय स्वीट मामा। तुम हमारा वाइफ को मामा कहा? मामा, पापा। अरे ये वर्ड सुनने को तो हम बरसों से तरस रहा है। मामा, पापा, तुम हमारा डॉटर मारिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अभी बोलो, ये मामा पापा अपने डॉटर के लिए क्या कर सकता है? एक दिन माँ की बेटी को माँ की ममता मिल गई, और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? नहीं, 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 नहीं। मामा पापा अपना लाडली बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा नहीं करेगा। वेट, हम तुमको ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तोहफे बतौर देता है। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक कंडीशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा डॉटर मारिया 10% का पार्टनर होगा। एज यू विश सर। सुना था हर आदमी की कामयाबी में किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। आज आंखों से देख भी लिया। शालिनी, तुम मेरी प्रेरणा हो। प्रेरणा? ऊंचा उठने के लिए सीढ़ियां बदलना कोई तुमसे सीखे,
मगर याद रखिए मिस्टर अरुण, लूडो के इस खेल में सीढ़ी के साथ सांप भी होता है जो इंसान को बहुत नीचा गिरा देता है, और वो स्वार्थ का सांप आपको डस चुका है। मेरी भावना का मजाक मत उड़ाओ शालिनी, तुम्हारी सादगी ने तो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। रुख मेरी सादगी ने नहीं, मारिया एंड मारिया कंपनी से मिलने वाले मेरे 10% के मुनाफे ने बदल दिया है। भावना के नाम पर उस मुनाफे को कितनी आसानी से हजम कर जाना चाहते हो तुम? तो मुझे गलत मत समझो शालिनी, मैं वासना के दलदल कीचड़ को तुम्हारे पवित्र प्रेम की गंगा में हमेशा हमेशा के लिए धो देना चाहता हूं। आज मुझे पहली बार सच्चे और पवित्र प्रेम का एहसास हुआ है, पहली बार। अगर तुम ये मानते हो तो मेरे खातिर हमेशा के लिए मुना को छोड़ सकते हो? मैं उसे दिल से निकाल चुका हूं। मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती शालिनी, विश्वास भगवान का दूसरा रूप है, मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर। तुम ना भी मानो मगर अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, जिस दिन मुझे यकीन हो गया उस दिन मैं जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। शालिनी अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारी 25,000 की खरीदी हुई बीवी हूं। I think this is all right. Good morning, sir. Here's the contract. Aha! Congratulations! Congratulations, young man. Thank you, sir. मुझे यकीन था कि तुम ये contract हासिल करके ही रहोगे। सर आपने तो कहा था कि सुहागन अपने सुहाग का मुकद्दर होती है। ये सब शालिनी की वजह से हुआ है। बेशक, बेशक। सचमुच तुम बहुत खुश नसीब हो। आज शालिनी की वजह से ही तुम हमारी कंपनी के 10% के पार्टनर बन चुके हो। लेकिन हमारी वो प्यारी प्यारी बिटिया शालिनी कहाँ है? सर जब से शादी हुई है बेचारी अपनी मायके नहीं जा पाई, इसलिए वो अपने घर वालों से मिलने गई है। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। सर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जब से शादी हुई है तब से मैं अपने ससुराल नहीं जा पाया हूं। चाचा जी मेरे ख्याल से अरुण बाबू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अब इसको शालिनी के घर होना चाहिए था, आखिर उनका भी तो जमाई बाबू पर कोई हक बनता है। नालायक, तूने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी की बात की है। चाचा जी मैं तो हमेशा अकल की ही बात करता हूं, आप पर गया हूं ना। जब अरुण बेटे। यस सर। हमारी तरफ से तुम्हें छुट्टी। मगर सिन्हा साहब अरुण अभी कैसे जा सकता है, उसका ऑफिस में कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। चाची जी आप ये अच्छी तरह से जानती है कि अरुण बाबू आपका कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। मैम मिस्टर शोमू ठीक कह रहे हैं। अरुण आओ, आओ। अच्छा हो गया अब तुम यहां आ गए, बैठो। तुम नहीं जानते तुम्हारी और शालिनी की शादी को लेकर कितने अजीब और गरीब ख्याल आते रहे, अब तुम्हें देखा और मन की सारी उलझने खत्म हो गई। सच पूछे तो मेरा भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन क्या करूं बिजनेस की अपनी मजबूरियां होती हैं। स्वागतम सुस्वागतम बंबई महानगर के महामानव जमाई बाबू के इस छोटे से कस्बे में कदम। ये साधुराम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तुम यहां क्यों आया हो? क्रोधाग्नि शांत करो मित्रवर, मैं तो जमाई बाबू को शगुन डालने आया हूं। जमाई बाबू दिल तो कहता है कि 25,000 रुपए शगुन में डाल दूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि 25 रुपए स्वीकार करो। ये किसी अनाथ आश्रम को दान कर दो, चले जाओ यहां से। I say get out। राम 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 राम, अंग्रेजी में कितने कड़वे शब्द प्रयोग करते हैं। अपनी हिंदुस्तानी भाषा में कहते प्रस्थान कीजिएगा, आप तशरीफ ले जाइए, हम थोड़े ही ना बोलते। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, अच्छा मित्र फिर दर्शन होंगे। घर आए मेहमान का ऐसा अपमान? अरुण यह मेहमान नहीं बल्कि ऐसा शैतान है जिसका साया पड़ने पर घर बर्बाद हो जाता है। चाचा जी आओ सपना बेटी आओ। अरुण ये मेरी बेटी जैसी है सपना। हेलो।
तुम्हें अपने जीजाजी से मिलने की बड़ी इच्छा थी ना, लो जी भर कर मिल लो। ओ, तो वो आप ही हैं छुपे रुस्तम, जिन्होंने हमारी दीदी के दिल पर डाका डाला और ऐसे भगा कर ले गए कि हम में से किसी को खबर तक नहीं हुई। वो सपना जी, बात यह है कि बातें बनाने में अब बड़े माहिर लगते हैं। अरे नहीं। हेलो, कौन? अरुण, आपका टेलीफोन है। मेरा फोन? किसी लड़की का है। हेलो, अरुण बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ का फोन किया? देखो मैं एकदम नहीं आ सकता हूँ, बहुत बिजी हूँ। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ। अरे बेटे, किस लड़की का फोन है? कुछ तो सुनो बेटे। चाचा जी, ये लड़की कौन हो सकती है जिसकी आवाज सुनते ही जीजा जी दौड़कर चले गए? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि इस इलाके में जवाई बाबू को जानने वाली कौन लड़की हो सकती। चाचा जी, जानने की कोशिश कीजिए ना, आखिर ये हमारी दीदी की जिंदगी का सवाल है। अरुण, तुम आ गए हो। क्यों बुलाया मुझे इस वक्त में? तुम्हें याद दिलाने के लिए। एक दिन मैंने कहा था ना, अगर दौलत और तुम में से किसी को चुनना पड़ा तो मैं सारी दुनिया की दौलत ठुकरा कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आज वो वक्त आ गया है अरुण। नहीं मोना, जैसे कल तुम्हारे और मेरे बीच दौलत की दीवार थी, वैसे ही आज मेरे और तुम्हारे बीच धन की दीवार है। दौलत की दीवार तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन धर्म की नहीं। कौन सा धर्म? पति का धर्म। शालिनी मेरी धर्म पत्नी है। और मैं? तुम वो औरत हो जिसे हर चीज खरीदने की आदत पड़ चुकी है। रिश्तों से लेकर जज्बात तक तुम एक अमीर व्यापारी की बीवी हो जो चंद चांदी के टुकड़े फेंककर मुझ जैसे किसी मर्द को खरीद सकती है। नहीं अरुण, तुम ऐसे मेरी तौहीन करके नहीं जा सकते। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ तुम्हें अर्पित कर दिया है और आज मैं तुम्हारे लिए खैर हो गई। और वो 25,000 के कागज पे लिखी हुई बीबी तुम्हारा धन बन गई। मैंने अपनी जिंदगी की किताब में से वो पन्ना फाड़ दिया है मोना, जिसमें तुम्हारा नाम लिखा था। और आज के बाद तुम ये कहानी कभी नहीं दोहराओगी। इट्स ओवर, ऑल ओवर, ओके? नो, इट कैन नेवर बी ओवर। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे इस तरह ठुकरा के नहीं जा सकते अरुण। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत कहो अरुण, मुझे अपने से अलग मत करो। छोड़ दो मुझे। नो, मुझ पे ये जुल्म मत करो। आई सेड लीव मी, छोड़ दो मुझे। नो, ठहरो अरुण। एक बात याद रखना, औरत का प्यार अगर मर्द की जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है तो उसकी नफरत उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना सकती है। हेलो मनोरमा देवी। साधुराम, तुम? अरे वाह, अच्छा हुआ पहचान तो लिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी का उधार खाया और प्यार किया भूलना नहीं है। मतलब की बात करो। मतलब बिल्कुल सीधा है। तुम्हारा घोड़ा रस्सी तोड़कर उस घोड़ी के पास चला गया है जिसे हम परमानेंटली हमारे घर में बांधना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब शालिनी से है? वाह वाह वाह, क्या समझदार है आप। वाह वाह वाह। मिल जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन कैसे? वो दोनों तो शादीशुदा है ना। काहे की शादी? हमने ही शालिनी को 25,000 रुपए देकर अरुण से उसकी नकली शादी करवाई थी। ओ मनोरमा देवी, ये कागज नहीं चाबुक है, चाबुक
जिसकी ताकत से तो मैं उस घोड़ी को सही रास्ते पर ले ही आऊंगा, लेकिन तुम्हारे घोड़े को भी तुम्हारे अस्तबल में पहुंचा दूंगा। नमस्ते। अरुण, अरुण आ गया। अरे वाह, तू तो सचमुच की सुहागन लग रही है। अपनी दीदी को अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? हाँ हाँ, आइए ना। शालिनी, तूने तो कुंवारे लड़के के घर को गृहस्थी में बदल दिया। मैं तुझे खुशखबरी देने आई हूं। कैसी खुशखबरी? यही कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ये रहे तुम्हारे 25,000 रुपए। आज से, बल्कि अभी से तुम इस पिंजरे से आजाद हो। दीदी, आपको अरुण ने बताया नहीं कि हमने सही मानों में शादी कर ली है? शादी? डोंट बी सिली शालिनी, इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारी मजबूरी और मेरी जरूरत के बीच एक समझौता था। तुम्हारी मजबूरी खत्म हो गई और मेरी जरूरत पूरी हो गई। ओके, बाय शालिनी। और हाँ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं अरुण के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। साला दीनदयाल, दो कौड़ी का आदमी, उसने मेरा अपमान किया, साधु राम का अपमान किया। शालिनी, मैं तुझे इसी बोतल में बंद कर दूंगा। ये तो मर गई। शालिनी के मौत का राज खुले इससे पहले हम उसे हमेशा के लिए दफन कर देंगे। ठीक से डाल दे नीचे। चलो ले ले, मिट्टी भी डालता हूं, मर ठीक से। अब शालिनी के मौत का राज इस कब्र में हमेशा के लिए दफन हो गया। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। अरे भाई दीनदयाल, क्यों घंटी बजा बजा कर भगवान को जगा रहा है? ऊपर वाले ने तो तेरी आखिरी घंटी बजा दी है। साधु राम, जबान अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी करो। बात अच्छी होती तो जरूर करता, परंतु मित्र, बड़ी मनहूस खबर है। कैसी खबर? मोनालिसा जिस कंपनी की मालकिन कहलाती है, उसमें अपने जमाई बाबू काम करते हैं। बाप रे बाप, बड़ी अय्याश औरत है। उसने अपने जमाई बाबू को अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। बूढ़े को पता ना चले इसलिए उसने तुम्हारी बेटी का अरुण के साथ एक साल के लिए, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ। इसका सबूत? सबूत यानी के प्रमाण। ये लो उस नकली शादी की प्रतिलिपि यानी के कॉपी। देख लो यार, देख लो। हम तो तुम्हारी बेटी के साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन अरुण अरुण तो तुम्हारी बेटी को आम की तरह चूस कर गुठली की तरह फेंक देगा, जिसे कुत्ते भी मुंह मारना पसंद नहीं करते। हाँ।
मैं आज ही बंबई जाऊंगा। नीच कमीने, तूने तूने मेरी बेटी को जीते जी मार डाला। बाबूजी मेरी बात सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे। तू मेरी बेटी का कातिल है। हाँ तू मेरी बेटी का कातिल है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ। बाबूजी। बाबूजी। ओ, खून खून। नहीं नहीं ये झूठ है, सरासर झूठ। ये खून मैंने नहीं किया। मैं अदालत से पूछता हूँ कि वो शख्स जो अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता है, इतनी मोहब्बत करता है, क्या उसी बीवी के बाप का कत्ल कर सकता है? शरीफ आदमी, पत्नी को दिलो जान से प्यार करने वाला, यूरो ना, ये फरेबी आदमी कितना बड़ा धोखा दे रहा है। इस आदमी के मासूम चेहरे पर मत जाइएगा। यूरो ना, अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो इस शादी जैसे ढोंग का राज ही नहीं जानता, बल्कि स्वर्गीय दीनदयाल के कत्ल का चश्मदीद गवाह भी है। इजाजत है। थैंक यू योरोना। मेरे वो गवाह हैं साधुराम। साधुराम जी, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत के सामने सच सच कहिए। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा ये साधुराम कुछ नहीं कहेगा। इसी दुष्ट ने 25,000 रुपया देकर मेरे प्रिय दोस्त की प्रिय पुत्री शालिनी को 1 साल के लिए खरीद लिया। खरीद नहीं, क्या कहते उसे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। जब इस बात का पता मेरे दोस्त को चला तब वो मुझे साथ लेकर अरुण के पास पहुंच गया सच्चाई जानने के लिए। लेकिन इसी दुष्ट ने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को सीढ़ी से नीचे धक्का देकर गिरा दिया। और मेरा प्रिय दोस्त, मेरा इकलौता दोस्त भगवान को प्यारा हो गया माए बाप। मिस्टर साधुराम, आप बेफिक्र रहिए, इंसाफ के मंदिर में आपके मरहूम दोस्त के साथ पूरा इंसाफ होगा। वकील साहब, जब तक ये पापी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता तब तक मेरे दोस्त को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे अगले गवाह का नाम मिस्टर शोमू। मिस्टर शोमू, आप इस केस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं अदालत को बताइए। जज साहब, सारा शहर जानता है कि मेरा चाचा सिसिना साहब दिल के मरीज है। मिस मनोरमा नर्स बनकर मेरे बूढ़े चाचा की देखभाल करने आई और मोनालिसा बनकर उनका दिल पर ऐसा कब्जा कर लिया कि बुढ़ापे में उन्होंने मोना से शादी कर ली। मगर यह बच्चा लेने अय्याश एहसान फरामोश औरत ने मेरे बूढ़े चाचा की आंखों में धूल झोंक कर श्री अरुण वर्मा से प्यार करना शुरू कर दिया। और एक दिन मैंने अरुण और मोना को प्यार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन मेरे चाचा के विदेश से लौटने से पहले मोना ने अंदर ही अंदर एक गहरी प्लानिंग की और श्री अरुण वर्मा से शालिनी की नकली शादी कर दी। योर ऑर्डर, अगर श्री अरुण वर्मा शालिनी के पिता का कत्ल ना करता तो यह नकली शादी का राज ही रहता। सुन लिया योरोना? योरोना, यह है वो नकली शादी का कच्चा चिट्ठा जिस पर शहर की मशहूर मारूफ हस्ती मिस्टर सिन्हा की पत्नी श्रीमती मोनालिसा सिन्हा के साइन हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि श्रीमती मोनालिसा सिन्हा को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि वो ये बताएं कि इस नकली शादी के एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन क्यों किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं अरुण को प्यार करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। अरुण मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। मैंने ही अरुण और शालिनी की नकली शादी करवाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और अरुण के राज को कोई जान सके। इस शादी को शालिनी की पैसे की मजबूरी कही जाए या
मेरी जरूरत, लेकिन मैं अदालत से प्रार्थना करती हूं कि मेरे अरुण पर कत्ल जैसा घटिया आरोप ना लगाया जाए। सुन लिया योरोना? योरोना, श्रीमती मोनालिजा सिन्हा के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि श्रीमती मोनालिजा सिन्हा ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अरुण और शालिनी की नकली शादी करवाई, और अरुण ने जिंदगी के समंदर को पार करने के लिए मोना और शालिनी नाम की दो कश्तियों में पांव रख दिए। जब मरहूम दीन दयाल इस राज का पता करने आया तो इसने, इस बेरहम ने उसे सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला और उसे खत्म कर दिया। दोस्ती के दम भरने वाले साधु राम की दोस्ती मरहूम दीनदयाल से कितनी गहरी थी, इसे मरहूम दीनदयाल की बेटी शालिनी के सिवा कौन जान सकता है। मोनालिसा और अरुण के बीच क्या संबंध थे ये शालिनी के सिवा और कौन जान सकता है। मरहूम दीनदयाल और अरुण के बीच क्या मनमुटाव था ये शालिनी के सिवा और कौन जान सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम दीनदयाल दिल का मरीज था। अब उसकी मौत दिल के दौरे से हुई या अरुण के गिराने से, ये शालिनी के सिवा और कौन जान सकता है। मेरे फाजिल दोस्त ने फालतू गवाहों की भीड़ तो इकट्ठी कर दी जो मेरे मुवक्किल पर कीचड़ उछाल कर चली गई, मगर मरहूम दीनदयाल की बेटी शालिनी को क्यों नहीं बुलाया गया जो इस हादसे की ठोस गवाह है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि शालिनी लापता है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे के अंदर आकर कहिए। योर ऑनर, मैं शालिनी की मुंह बोली बहन हूं। इस मक्कार ने मेरी भोली भाली दीदी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, जबकि पहले से ही इसके मोनालिसा के साथ नाजायज संबंध थे। जब अभागा बाप सच्चाई जानने के लिए अरुण के पास गया तो इस शैतान ने उनका कत्ल कर डाला। ये झूठ है, सरासर झूठ है मिलाट। जज साहब, ये इस बहरूपिये का एक नया रूप है। नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की साजिश है। योर ऑनर, जब तक शालिनी को पता नहीं चल जाता तब तक मेरे मुवक्किल को शक के बिना पर रिहा किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मौके वारदात और गवाहों के बयानात से कहीं भी यह साबित नहीं होता कि मिस्टर अरुण ही मरहूम दीनदयाल का कातिल है, इसलिए अदालत शक के बिना पर मिस्टर अरुण को बरी करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि वो मरहूम दीनदयाल की बेटी शालिनी देवी को ढूंढकर अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। इतना बड़ा धोखा? हां साहेब, वो दोनों बड़ी बेसब्री से आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आपके मौत के बाद आपकी आपकी दौलत से वो दोनों बड़े आराम से गुलछर्रे उड़ा सके। हां, और आप इस चाल में बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं साहेब। आपका शुभचिंतक होने के नाते मेरा मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभाया है। आगे राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। बंद करो ये नाटक। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली औरत, अब मैं तेरी सारी असलियत जान गया हूं। कलंकनी, उल्टा, अब मुझे पता चल गया है कि तू पांव में एक पहनने वाली जूती है जिसे जिसे मैंने अपने माथे का ताज बना लिया था। अगर तू बाजार में बिकने वाली एक वेश्या है और मैं तुझे बिकने के लिए फिर उस बाजार में छोड़ाऊंगा जहां जहां साधुराम जैसे घटिया आदमी तेरी तेरी कीमत लगा सके। बस कीजिए सिन्हा साहब, बस कीजिए। कलंकिनी, कुलटा, कुलच्छिनी, वेश्या,
न जाने कितने गहने बिना सोचे समझे आपने मुझे पहना दिए, और वो भी एक ऐसे शैतान के उकसाने पर जिसने मुझ जैसी भूखी बेबस औरत की इज्जत रोटी के दो टुकड़ों के लिए लूट ली थी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि मैंने कौन सा फर्ज नहीं निभाया। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी मौत से लड़ रही जिंदगी को मैंने दिन रात जागकर बचाया है। तब से लेकर आज तक मैंने माँ बहन बीबी बेटी बनकर आपकी वो खिदमत की है जिसे आपके सगे भी नहीं कर सकते थे। जिस अरुण का नाम लेकर आप मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो मेरी जिंदगी में तब आया था जब वो आपकी कंपनी में नौकर नहीं था। ऐसी एक तूफानी रात थी जब अरुण की जवानी और मेरी जरूरत में एक समझौता हो गया था, क्योंकि आप मेरी उस जरूरत को कभी पूरा नहीं कर सकते। क्या शादी के पवित्र बंधन में सिर्फ जिस्मानी भूख होती है और कुछ नहीं? मैंने तुझे धन दौलत इज्जत सम्मान दुनिया के हर ऐशो आराम दिए, क्योंकि आपके बीमार बुढ़ापे को सेवा करने वाली एक जवान नौकरानी की जरूरत थी। आपके शरीर को मैंने अपनी जवानी दान कर दी, मगर उस जवानी में आने वाली बाढ़ को मैं तो क्या दुनिया की कोई भी जवान औरत नहीं रोक सकती। अगर उस बाढ़ में मर्यादा के किनारे टूट गए तो उसमें मेरा क्या दोष? दोष? शर्म कर बेहया औरत, शर्म कर। पति की मर्यादा निभाना एक पत्नी का धर्म होता है, मगर तू जैसी कमीनी औरत मर्यादा क्या जाने? शुमू ने ठीक ही कहा था कि खून पानी से गाढ़ा होता है, मगर मैं ही एक बेवकूफ था जिसने अपनी सारी दौलत और शौहरत का वारिस तुझे बनाया था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही अपनी वसीयत बदल दूंगा और तुझे फिर उसी दलदल में धकेल दूंगा जिस दलदल से मैं तुझे उठा के ले आया था। नाउ गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम सिना साहब। क्या? हाँ, वो हमेशा के लिए सो गए। आज हम सब बंधनों से मुक्त हो गए। अब मैं सिन्हा साहब की दौलत की अकेली वारिस हूं। उसे भोगने के लिए तुम मेरे साथ हो। क्या भक्ति हो। अभी सिन्हा साहब की लाश भी ठंडी नहीं हुई, उनकी आत्मा भी इस कमरे से बाहर नहीं निकली, और तुम अपनी मनमानी करने में तुली हुई। मनमानी? तुम्हारे दिल में सिन्हा साहब के लिए अचानक इज्जत कैसे पैदा हो गई? भूल गए जब हम दोनों उनकी पीठ के पीछे मिलते थे, प्यार करते थे और अपने सुनहरे सपने सजाने के लिए उनकी मौत का इंतजार करते थे? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मेरी अंधी जवानी जिस वास्ता कीचड़ को प्यार समझ बैठी थी, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ वास्ता थी, और सिर्फ वास्ता थी। तो फिर कान खोल कर सुन लो, उस भूल से निकलने के बाद सारी उम्र गरीबी की दलदल में जीना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना, तो हिंदुस्तान की कोई इज्जतदार कंपनी तुम्हें नहीं रखेगी। सारी उम्र रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो जाओगे। परवाह नहीं, दान में मिले स्वर्ग से अपना पैदा किया हुआ नर्क कहीं बेहतर होता है। मेहनत मजदूरी करूंगा, इन पत्थर उठाऊंगा, लोगों के जूते साफ करूंगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। गुड बाय। रुक जाओ अरुण, तुम मेरे प्यार को इस तरह ठुकरा कर नहीं जा सकते। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां। नहीं, हो नहीं सकता।
ये नहीं हो सकता। सरकार, आपके हाथ में रस्सी का फंदा क्यों? हमारे धंधे में तो फंदेबाजी चलती रहती है, इसलिए फंदा हर वक्त साथ रखना पड़ता है। पता नहीं कब किसके लिए और किस जगह काम आएगा। सो जा। सब समझ गया, ये कसाई मुझे बलि का बकरा बनाने पर तुला हुआ है। मुझे बचा लीजिए, मुझे साधुराम से बचा लीजिए, वो मेरा खून करना चाहता है। खून? मगर क्यों? क्योंकि मैं शालिनी जी की मौत का अकेला चश्मदीद गवाह हूं। शालिनी की मौत? जी अरुण बाबू। क्या मेरी शालिनी मर गई? हाँ, उस जालिम ने उनको मार दिया, उनका लाश को लेकर जमीन के नीचे दफना दिया। कमीने, आखिर तूने मालिक का राज गैर को बता ही दिया? ये रहा तेरी नमक हरामी का इनाम। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। कमीने, कमीने, मैं तेरी जान पकड़ो मुझे। शिकार मेरा है। बॉस, पुलिस। चलो भागो 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 भागो। जीजाजी, जीजाजी, सपना दीदी ने आपके लिए चाय भेजी है। लाओ। और उन्होंने आप पे गलत शक किया था, इसके लिए आपसे माफी मांगी है। इसमें तुम्हारी दीदी का कोई कसूर नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। जिंदगी के सफर में एक साथी मिला था, किस्मत ने उसको भी छीन लिया, मैं एकदम अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। तुम अकेले नहीं हो अरुण, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। Thank you.
रहा मेरा इस्तीफा। तुम क्या इस्तीफा दोगे? मैं तो तुम्हें पहले ही डिसमिस कर चुकी हूं। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे तुम्हारे कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल गई है, मिसेज मोनालिजा सिन्हा। गुड बाय एंड फॉरएवर। मुबारक हो मैडम, सिन्हा साहब का वारिस पैदा हुआ है, ये लीजिए। तुम्हारा बायोडेटा तो ठीक है, मगर हमें इस काम के लिए तजुर्बेकार आदमी की जरूरत है। क्या मैं बैठ सकता हूं? ओ यस, सिट डाउन, बैठो बैठो। सर, तजुर्बा तो काम करने से होता है, आप मुझे चांस देके देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आई एम सॉरी मिस्टर। हेलो, यस, हाँ हाँ, ओह हाँ, यही है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वेल, मैं फिलहाल आपको एक टेम्पररी नौकरी दे सकता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। सपना 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 सपना, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई। सपना, ओ माय डियर सपना, हमारे बुरे दिन खत्म हुए, सिर्फ खुश चाहिए, खुश चाहिए। I'm not afraid to die.
मेरे को नहीं उनको दो जिनकी सिफारिश की वजह से आज तुम्हारी नौकरी परमानेंट हुई है। किसकी सिफारिश? सिन्हा एंड सिन्हा कंपनी की मालकिन लेडी मोनालिसा सिन्हा। बड़ी तकदीर पाई है तूने यार। मोनालिसा, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। मैं किसी जरूरत का मोहताज बनकर नहीं आया। मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि तुम मेरी नौकरी पर अपनी सिफारिश का कलंक क्यों लगा देती हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का बाप दर बदर की ठोकरें खाता फिरे। देखो, ध्यान से देखो इसे, वही नाक नक्शा, वही रंग रूप, बिल्कुल तुम पर गया है। अपने बच्चे को प्यार नहीं करोगे? ऐसा नहीं कर सकता। वाह मोना देवी, वाह वाह। शोमू मनोरमा देवी, सीने साहब के दौलत का एक टुकड़ा इस गरीब के झोले में भी डाल देना, वरना। वरना क्या? वरना जो राज मैं जानता हूं कल सारी दुनिया जान जाएगी। यू स्काउंडल, गेट आउट फ्रॉम हियर। अपना हिस्सा लिए बगैर। मंगल पांडे, रामू, गला फाड़ने की जरूरत नहीं है मनोरमा। याद रखना, जिन्हें घर से निकाला जाता है वो घुसने के लिए चोट दरवाजा ढूंढ लेते हैं। अरुण बोल रहा हूं। अरुण, हमारे बच्चे को कोई उठा के ले गया है। क्या? प्लीज अरुण, मुन्ना को ढूंढने में मेरी मदद करो। देखो अरुण, तुम्हारे जीने के लिए बहुत सारे सहारे हैं, मगर मुझे अपना का एक ही सहारा है। प्लीज अरुण, मुझ पर तरस खाओ, कुछ करो। इन सब का मोना, मोना, अरुण, अरुण, मैं मुन्ना के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ।
हौसला रखो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, आए लागू चाची जी। चमू, चमू मेरा मुन्ना कहाँ है? तुम्हारा मुन्ना मेरे गोद में खेल रहा है, बहुत खुश है। एलो, सुनो उसकी आवाज सुनो। मुन्ना, समय समय की बात है चाची जी, कल जब मैं रोता था आप हंसती थी, आज आप रो रही हो और मैं हंस रहा हूं। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे इस प्यार की निशानी को लौटाने की कीमत सिर्फ 30 लाख रुपया, only 30 lakhs। और एक बात याद रखना, अपने साथ पुलिस या अरुण को लाने की हिम्मत न करना। शोमू, शोमू। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ चाची जी। शोमू, मेरा मुन्ना कहाँ है? चाची जी, अब आपका भविष्य मुन्ना ही है और मेरा 30 लाख रुपया। ये पूरे 30 लाख है, लो। और मेरा मुन्ना मुझे दे दो। वो रहा तुम्हारा मुन्ना। मुन्ना, मेरा मुन्ना, रोका क्यों? रस्सी अटक गई मोना देवी, रस्सी अटक गई। तुम? हाँ मनोरमा देवी, खूब पहचाना तुमने। ये दास साधुरामी है, चोमू तो अपनी कीमत लेकर चला गया, फिर हमने सोचा हम क्यों ना अपनी कीमत वसूल करें। क्या चाहते हो? मनोरमा देवी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी जान इस बच्चे में अटकी हुई है और हमारी जान कानून के पंजे में। अगर तुम अपनी ये जान चाहते हो तो अपनी जान देकर हमें बचा लो। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी तो अभी समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सीधा सौदा है मनोरमा देवी, बहुत ही सीधा। तुम शालिनी और बाके के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लो, उसके बाद हम तुम्हारा ये बच्चा, तुम्हारा ये प्यार तुम्हारे अरुण को लौटा देंगे, जिसकी ये नाजायज औलाद है। क्या सोच रही हो हा? बच्चे के जान के बदले तो तुम्हें अपनी जान देनी ही पड़ेगी, वरना बच्चे की जान चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं तैयार हूं। कितनी समझदार हो, कितनी समझदार हो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जिस दिन तुम्हें फांसी लग जाएगी, मैं तुम्हारा बच्चा अरुण को वापस लौटा दूंगा। पर इसकी क्या गारंटी है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चे को अरुण को दे दोगे? गारंटी? हमारी जुबानी हमारी गारंटी है, क्योंकि साधुराम फोकट में कोई चीज किसी को देता ही नहीं। साला शोमू ने तो अपना माल आराम से निकाल लिया, हम भी हमारा माल निकाल लेंगे। तीस लाख रुपया अरुण के पास छोड़कर जाना, तुम्हारी फांसी होते ही हम एक हाथ से अरुण से 30 लाख रुपया ले लेंगे और दूसरे हाथ से अरुण को बच्चा दे देंगे। मुझे ये शर्त मंजूर है। लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार अपने बच्चे को देख लेने दो। ओ, अवश्य अवश्य। मुन्ना, मुन्ना, मेरा बेटा, मुन्ना, तू अपनी माँ की तरह कितना बदनसीब है। अब तुझे सारी उम्र अपनी माँ के बिना गुजारनी होगी। मुन्ना, अरे बस 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 बस, ज्यादा प्यार मत करो, नहीं तो मैं भी भावुक होकर सचमुच साधु बन जाऊंगा। ला इधर। अरे ठहरो मनोरमा देवी, ठहरो।
जाते वक्त ये पिस्तौल तर साथ लेकर जाओ। इसी पिस्तौल से उस कंबक बाके का मैंने कत्ल किया था, ले लो। अदालत में गुनाह कबूल करते वक्त काम आ जाएगा। जाओ जाओ। गई तेरी माँ गई। चलो एक अध्याय तो खत्म हो गया। ये क्या बोला है साधुरा? तब नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, सांप को छिपकली हजम नहीं होती, वैसे ही तुझे ये लूट का माल हजम नहीं होगा। इससे पहले कि तेरा हजमा खराब हो जाए, तेरा तंदुरुस्त होकर मर जाना ही अच्छा है। ए, इसको ठिकाने लगा दो। जा। हाँ हाँ, मैंने ही शालिनी का कत्ल किया है। वो मेरे और अरुण के प्यार के बीच दीवार बन गई थी। मैं शालिनी के कदमों पर गिरकर रोई कि वो मेरे और अरुण के बीच से हट जाए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने उसे 25,000 रुपए भी दे दिए थे, लेकिन वो पत्थर दिल नहीं मानी। तो अरुण का प्यार पाने के लिए मैंने उसे मार डाला और उसकी लाश को साधु राम के घर के पास इसलिए छुपा दिया ताकि शालिनी के कत्ल का इल्जाम साधु राम पर चला जाए। पर साधु राम के नौकर बांके ने छिपकर मुझे देख लिया था, जिसकी वजह से मुझे बांके को भी गोली मारकर खत्म करना पड़ा। जरौरा, मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल किया है। मौकाए वारदात पर पाए गए पिस्तौल एग्जिबिट डी पर उसकी उंगलियों के निशान है, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिम को उसके संगीन जुर्म के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल एरोना, थैंक यू। मौके वारदात और मिसेस मोना लिजा सिन्हा के इकबाले जुर्म से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा ने बड़ी बेरहमी से शालिनी देवी का कत्ल किया और मौके वारदात के चश्मदीद गवाह को भी मार डाला। लिहाजा अदालत ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिमा मोना लिजा सिन्हा को इस महीने की 24 तारीख को फांसी की सजा का हुक्म देती है। मिसेस मोनालिसा सिन्हा, आज 24 तारीख है, कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं साधु राम से मिलना चाहती हूं। ओके। वासांस जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानी अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न च शोषयति मारुतः। आसक्ति विरक्ति सुख दुख सर्व प्रकार द्वंद्व से मुक्त होकर परम धाम में गमन करो। जेलर साहब, मैं साधु राम से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ऑलराइट। साधु राम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शालिनी और बांके का कत्ल तुमने किया है, लेकिन फांसी चढ़ रही हूँ मैं। लेकिन इस बात को आप दोहराने से क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान से डरती हूँ। नुकसान? कैसा नुकसान? तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, तुम्हारा जुर्म अपने सिर पर लेकर मैं फांसी चढ़ रही हूँ। ओ, मानता हूँ मानता हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस है शालिनी की मौत का, क्योंकि उसकी जवानी का रस चूसे बगैर ही साली चली गई। बाकी रही बाके की बात, तो उसका मुझे कोई दुख नहीं,
वो साला बहुत ही गद्दार हरामजादा और कमीना था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम किस नुकसान की बात कर रही हो। तुम्हारे इल्जाम अपने सर लेकर मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगी। अगर तुमने मेरा मुन्ना अरुण को नहीं दिया तो मेरी भटकती हुई आत्मा का क्या होगा? रो मत मनोरमा, रो मत। साधुराम बड़ा स्वार्थी है। मैं बच्चा देने से नहीं मुकरता क्योंकि बच्चे के बदले मुझे 30 लाख रुपया अरुण से मिलेगा। मैडम वक्त हो गया, चलिए आओ। साधुराम अपने वादे को याद रखना। अवश्य 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 आइए। अच्छा साधुराम बोल रहा हूं। तुम्हारी मोना नाम की बकरी तो कानून के हाथों कट गई लेकिन उसका बछड़ा मेरे पास है। माल लेकर सीधा मेरे पास चले आओ। साधुराम साधुराम मैं यहां हूं बरखुरदार। मुन्ना कहां है? माल लाए हो? हां पूरे 30 लाख लेकिन पहले मुन्ना। ओहो एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तुम्हारे प्यार का फल इसमें है। मुन्ना मुन्ना हत्यारे हो तुम, झूठे हो तुम। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अरुण बाबू ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मोना मरने से पहले सारी जायदाद की ट्रस्टी तुम्हें बनाकर गई है ताकि तुम इस बच्चे की परवरिश ठीक से कर सको। अब मैं तुम्हें बार बार बच्चा दिखाता रहूंगा और बार बार माल लेता रहूंगा। मनोरमा मनोरमा तुम अभी तक मरी नहीं। हरामजादे तुझे मारे बगैर कैसे मर सकती हूँ? तूने मनोरमा की कमजोरी देखी है, मोना लिसा की ताकत नहीं। कमीने ये नाटक मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए और अपने बच्चे को सही सलामत पाने के लिए किया था। अब तू भाग नहीं सकता क्योंकि पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। नहीं नहीं तुम तो गुनाह कबूल कर चुकी हो। नीच सच्चाई को सामने रखने के लिए मैंने अदालत को अपने विश्वास में लिया था ताकि तुम कानून की आंखों में धूल न झोंक सको। लेकिन मैं कातिल तभी साबित होऊंगा जब कानून के पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत होगा। सबूत है साधुराम, सबूत है। मोनालिसा तुम्हारे बीच जेल में जो बातचीत हुई थी उसे हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। लो सुनो। तुम्हारा जुर्म अपने सिर पर लेकर मैं फांसी चढ़ रही हूं। मानता हूं मानता हूं। मुझे भी बहुत अफसोस है शालिनी की मौत का क्योंकि उसकी जवानी का रस चूसे बगैर ही साली चली गई। बाकी रही बाकी की बात
तो उसका मुझे कोई दुख नहीं। वो साला बहुत ही गद्दार, हरामजादा और कमीना था। वाह मनोरमा देवी, वाह। आखिर इस पापी का पाप सामने आ ही गया। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। इस पापी को उसके पाप की सजा मिलने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं मनोरमा देवी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुझे? तूने इज्जत लूटकर मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुझे माफ कर दूं? मेरे सुहाग को चिंगारी लगाकर उसे चिता में बदल दिया। कुत्ते कमीने, तुझे माफ कर दूं? कमीने, जो एक माँ से उसकी ममता छीन लेना चाहता था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी रानी, साधुराम इतने जल्दी जंग हारने वाला नहीं है। अब मैं तुझे, तेरे बच्चे और आशिक को एक साथ खत्म कर दूंगा। हरामजादे, देखता हूं कौन खत्म करता है। जाने से पहले तुझे रुखसत करके जा रहा हूं। चल चल तो। अरे जलता हूं ना, क्यों चिल्लाता है? साधुराम, मोना, मोना, देखो देखो देखो, मोना बिल्कुल ठीक है। देखो तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहेगा। अरुण, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम मेरे रोम रोम में समाए हो। नगमा तेरा, नफस नफस, जलवा तेरा, नजर नजर, ए मेरी शहदे हयात, पारा भी करीब कर, पारा भी करीब कर।